अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम टेक्निकल सज्जाद हुसैन एंड वेलकम टू आवर YouTube चैनल सिंधियाना टेक। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि विंडोज 7 के साथ बूटेबल USB कैसे बनाई जाती है। अगर आपको पता नहीं कि बूटेबल USB क्या है तो मेरी उस पर एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट इज बूटेबल USB। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विंडोज 7 के साथ बूटेबल USB क्रिएट करने के लिए आपको इन दो फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन फाइल्स, दोनों फाइल्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और इन्हों को डाउनलोड करने के लिए आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन करें और गूगल पे सर्च करें विंडो 7 ISO, प्रेस एंटर। तो आपको ये इसकी नज़र आ रही होगी, ये वेबसाइट पहली ऑफिशियल KMSP.com वालों की। इन्हों इस पर क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन। डाउनलोड विंडोज 7 ISO पे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये आपको बता रहा है कि डाउनलोड विंडोज 7 ISO अल्टीमेट 64-bit और यहाँ 32-bit बता रहा है, और ये अल्टीमेट और प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट तो ये 64-bit है आपका सिस्टम या 32-bit, अगर आपको पता नहीं तो आप अपना ये सिस्टम चेक कर सकते हैं अपने दिस PC या माई कंप्यूटर पर। राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, और यहाँ से फ्रेंड्स आप सिस्टम टाइप में ये देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 32-bit लिखा हो तो 32-bit डाउनलोड करें, अगर 64-bit लिखा हुआ है तो 64-bit फाइल डाउनलोड करें। और अब आपकी मर्जी है कि आप अल्टीमेट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रोफेशनल वर्जन। तो मैं अल्टीमेट वर्जन डाउनलोड करें, जस्ट आप उस पर क्लिक करें और आपका फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा। और फिर से अब फ्रेंड गूगल पे जाएं और सर्च करें रूफस एंड प्रेस एंटर। तो ये रूफस फाइल है, इसको क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे ये डाउनलोड रूफस 3.8 पे क्लिक करें, सेव फाइल पे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, दोनों फाइल डाउनलोड करने के बाद अब आप ये जो फ्रेंड्स सबसे पहले ये एप्लीकेशन ओपन करें, यस, और यहाँ पे डिवाइस में आपको अपनी USB सिलेक्ट करनी है। अपनी USB अपने PC या लैपटॉप में प्लग इन करें, और यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं 32GB की मेरी USB है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी USB में डेटा पड़ी हुई है तो उसका आप बैकअप बना लें, क्योंकि जब आप इसको बूटेबल बनाएंगे तो सारी जो डेटा है आपकी फॉर्मेट की जाएगी। तो और यहाँ से डिस्क इमेज फाइल, जो आपने अभी फाइल विंडोज 7 का ISO इमेज फाइल डाउनलोड किया है, वो इसको ब्राउज करके दें। उसके बाद यहाँ स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन और GPT और MBR। अगर आपको पता नहीं कि आपके पार्टीशन की स्कीम क्या है तो दिस PC या माई कंप्यूटर में फिर से राइट क्लिक करें और मैनेज में जाएं। मैनेज में जाने के बाद फ्रेंड्स डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको उस हार्ड डिस्क की पार्टीशन स्कीम चेक करनी है जिसमें आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं, ना कि USB की पार्टीशन स्कीम चेक करनी है। तो अपनी हार्ड डिस्क पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ वॉल्यूम्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे लिखा है पार्टीशन स्टाइल, जैसा ये देख रहे हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगर यहाँ पे GPT लिखा हो तो आप GPT सिलेक्ट करें, अगर मास्टर बूट रिकॉर्ड लिखा है तो MBR, तो आप MBR ही सिलेक्ट करें। यहाँ से मेरा MBR है मास्टर बूट रिकॉर्ड, तो ये सिलेक्ट करें। उसके बाद इसको भी डिफॉल्ट रहने दें, और यहाँ पे जो आप नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद NTFS फाइल सिस्टम रहने दें, और यहाँ से भी इसको भी डिफॉल्ट रहने दें, और स्टार्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपको बता रहा है कि अगर आपके USB पर कोई भी डेटा है तो वो डिस्ट्रॉय की जाएगी, उसको ख़त्म किया जाएगा। तो अपनी USB का बैकअप बना लें पहले, अगर आपकी डेटा नहीं तो आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं और ये फॉर्मेट कर देगा सारी डेटा।
तो फ्रेंड्स आपकी बूटेबल यूएसबी क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बूटेबल यूएसबी से विंडो कैसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं, और उस वीडियो की बाद में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं।